हेलो गाइस, स्वागत है आपका करियर पॉइंट शिमला में। हम लेके आए हैं आपके लिए थर्ड वीक के करंट अफेयर। आपने देखे होंगे पहले टू वीक के करंट अफेयर, अब जो है आपको इसमें मिलेंगे जुलाई मंथ के थर्ड वीक के करंट अफेयर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9805291450 पे कॉल करके हमसे आप बात कर सकते हैं और जान सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। थोड़ा सा मैं जो है आपको अपने इंस्टीट्यूट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हम देते हैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड, आपकी एचपीपीएससी से रिलेटेड कोचिंग, एलाइड सर्विस हो गया, आपके एनटी हो गया, और साथ साथ में जो है आपके हमारा फाउंडेशन बैच जो रहता है 2019 के लिए वो आपका रहेगा। प्लस टू लेवल का अगर कोई आपका एग्जाम है या अंडर ग्रेजुएट लेवल, आपका ग्रेजुएट लेवल और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होते हैं इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कोचिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट जो आज तक जो सिलेक्टेड हुए हैं। और साथ में जो है अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारा जो है एड्रेस लिखा गया है, और साथ में आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताती हूँ, www.careerpointshimla.com। और साथ में आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, www.facebook.com/careerpointshimla। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी जीमेल रहेगी careerpointsml@gmail.com, info@careerpointshimla.com। और आप अगर और भी अगर थोड़ी और जानकारी भी लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं व्हाट्सएप, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं थर्ड वीक जुलाई मंथ के करंट अफेयर। तो हमारा जो करंट अफेयर है वो है 16 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में, यानी कि आपको वीकली करंट अफेयर हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखते हैं जो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है रिलेटेड आपका कि मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव गिरा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि मोदी की सरकार के खिलाफ पेश किया गया है। तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। इसे जो है निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं, और साथ साथ में ये जो है संसदीय प्रस्ताव है जिसे विपक्ष के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि सरकार को हटाने या कमजोर करने की उम्मीद से जो है इसे पेश किया जाता है। तो इस बार जो है ये मोदी सरकार के खिलाफ पेश किया गया था विपक्ष दल के द्वारा, यानी कि अगर हम बात करें कि जो पक्ष में है वो है भाजपा सरकार और विपक्ष में है इस टाइम हमारी कांग्रेस सरकार। और ये प्रस्ताव जो है इसके लिए जो है कुल वोट जो थे 451 वोट डाले गए, जिसमें इस प्रस्ताव के पक्ष में 126 वोट पड़े, जबकि विरोध में जो पड़े 325 वोट जो है हमारे पड़े हैं। और TDP संसद की ओर जो TDP सांसद है हमारे, उन्होंने जो इस प्रस्ताव को लाया था और इसे जो मंजूर किया था वो किया था लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने, ठीक है। और इस पे चर्चा करने के लिए 20 जुलाई 2018 का दिन जो था वो डिसाइड किया गया था, और इस प्रस्ताव को करीब 11 घंटों तक इस पे जो है डिस्कशन हुई, बहस चली, और लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार ये प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। मैंने आपको पहले बताया कि ये जब से सरकार बनी है मोदी की तब से जो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव जो था इसमें पेश किया गया था, किसके द्वारा? TDP सांसद के द्वारा। और इसमें क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जैसे लोकसभा की स्पीकर जो है वो कौन है, तो वो है सुमित्रा महाजन, ठीक है, कोई लेडी है, तो इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। और साथ में ये हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है किस क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और कब कौन सा दिन इसके लिए रखा गया, तो वो रखा गया था 20 जुलाई 2018, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी न्यूज, नेक्स्ट है हमारी RBI से रिलेटेड न्यूज, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन है इसमें कि जल्दी ही 100 रुपए का नोट भी जो है न्यू आएगा, ठीक है, यानी कि जारी किया जाएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा ये नोटिफिकेशन आई है कि 100 रुपए का जो है नया नोट जारी
किया जा रहा है। और इसमें क्या क्या फीचर्स रहेगी ये देखते हैं जरा हम थोड़ा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं इस टाइम प्रेजेंटली वो कौन है, तो वो है उजित पटेल। आपने देखा होगा कि जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं हिमाचल से रिलेटेड, उसमें जो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर कौन है, तो वो है उर्जित पटेल। ठीक है, और इस नोट में जो जो 100 रुपये का नया नोट आने वाला है, इसका जो कलर रहने वाला है वो बैंगनी कलर रहेगा और महात्मा गांधी सीरीज का ही होगा। और साथ में जो है इसमें जो साइन किए जाएंगे वो गवर्नर उर्जित पटेल के होंगे। उसके बाद जो है इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा कि इसमें एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगी कि जो आरबीआई की तरफ से बयान जो जारी किया गया है, बताया गया है कि इस नोट के जो पिछला हिस्सा होगा किसका, 100 रुपये के नोट का, उस पे जो होगा गुजरात के पाटन जिले में स्थित जो रानी की बाव है उसका डायग्राम इसमें बनाई गई होगी, जो भारत की विरासत को प्रदर्शित करेगा। और इसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है इसका साइज क्या रहेगा, तो इसका साइज जो है वो है 66 mm मल्टीप्लाई 142 mm का ये रहेगा। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट। इसमें 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर वो है कि प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज का निधन। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास जी हैं, हम देखते हैं इन्हें कि कौन कौन से इन्होंने काम किए हैं, इनके क्या क्या वर्क रहे हैं और इन्हें कब कब कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट रह सकता है या पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये जो नीरज जी थे ये मुंबई के फिल्म जगत में गीतकार के रूप में गीत लिखने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात है कि इनका जो फिल्मों में गीत का लेखन रहा है वो रहा है मेरा नाम जोकर में, शर्मीली में और प्रेम पुजारी जैसी अनेक ऐसी चर्चित मूवीज हुई हैं जिसमें इन्होंने वर्षों तक काम किया है। और उसके बाद आता है कि इसमें जो इन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं वो दिया गया है पद्मश्री, जो इनको 1991 में मिला था। और उसके बाद सेकेंड इनको मिला है यश भारती, जो 1994 में मिला था। और 2000 अगर साथ की हम बात करते हैं तो इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और गोपाल दास नीरज जो है वो मैंने पहले ही बताया कि फिल्म जगत से काफ़ी सालों से जुड़े रहे हैं, तो अगर हम इनके 70 के दशक की अगर बात करते हैं तो इन्हें जो है लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर है कि आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। अब इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों ये पेश किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे इंडिया में लगातार आपको न्यूज आती रहती हैं कि इतने बैंक से जो है पैसे लेके भाग गए। जैसे आप अगर आपने न्यूज सुनी ही होगी लगातार इस तरह की हमें जो एक्टिविटीज देखने को मिल रही है बैंक से कि बैंक से लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, यानी कि उस पैसे को लेके विदेश में चले जाते हैं। तो इसको लेकर के सरकार ने जो है थोड़ा मतलब सोचा है इसके बारे में और इसके बारे में एक जो है लोकसभा में विधेयक पास किया है। तो ये देखते हैं क्या है ये विधेयक। इसमें जो है बात की गई है कि ऐसा कानून लागू किया जाएगा जिसमें अगर उन्हें लगता है कि अपराध जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक के हो तो उसे जो है भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाएगा। और इसे जो है इसमें एक बात और भी कही गई है कि अगर वो अपने देश को छोड़कर अगर बाहर चला जाता है या बचने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के जो अपराध लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं उस पे भी इस बिल में ये बात की गई है कि इस पे ये अंकुश लगाएंगे, यानी कि रोक लगाएंगे, इस पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। और इस विधेयक में किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी को कोई सिविल दावा करने या बचाव करने की हकदारी नहीं होने का प्रावधान बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये विधेयक जो है वित्तीय खुफिया इकाई को जो है आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और उसकी संपत्ति यानी कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे सील करने यानी कि जब्त करने का भी आदेश देने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये था, ये भी इम्पोर्टेंट विधेयक जो है लोकसभा में हमें जुलाई मंथ में जो है देखने को मिला है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है
ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि सबरीमाला मंदिर, ठीक है, सबरीमाला मंदिर जो है ये है कहाँ पे है, ये केरला में है, और केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवंतपुरम, ठीक है, तो उसी में जो है ये सबरीमाला मंदिर है। अब ये जो मंदिर है, अगर हम बात करते हैं मक्का मदीना की, क्योंकि वो है फर्स्ट हमारा तीर्थ स्थान, तो ये जो है सेकंड नंबर पे, इसके बाद मक्का मदीना के बाद जो है ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो है तीर्थ माना जाता है, ठीक है। तो ये मंदिर में क्या होता था, पहले महिलाओं को प्रवेश करना नहीं दिया जाता था, लेकिन जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो है रूल बना दिया है कि महिलाएं भी इसमें प्रवेश करेंगी और पूजा करने का उनको संविधानिक अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि 25 से लेकर 26 तक जो होता है, अगर हम आर्टिकल 25, संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 26 तक बात करते हैं, तो उसमें जो है सबको जो है समान अधिकार दिए गए हैं, और साथ में जो है ये भी संविधानिक अधिकार है कि कोई भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है और कोई भी पूजा पाठ जो है कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो जगह जितनी भी जो आपकी मतलब सार्वजनिक प्रॉपर्टी है आपकी, वहां पे कोई भी शख्स जो है वो जा सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। तो इसमें जो है पुरुषों, संविधान में भी आपने देखा होगा कि पुरुषों और महिलाओं को जो है इक्वेलिटी की बात लिखी गई है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि महिला के नाते आपका प्रार्थना करने का अधिकार किसी भी विधान के अधीन नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है आपका। इस संवैधानिक पीठ में अगर हम बात करते हैं, जो जस्टिस हमारे आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल है। इन सब ने जो है इस जो ये संवैधानिक पीठ जो है इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अगर हम इंदु मल्होत्रा की बात करते हैं, तो ये जो है जैसे ये पांच पीठ जो है बनाई गई है संवैधानिक की, इसमें सिर्फ एक ही लेडीज है, तो इसका इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने पिछले जितने भी एग्जाम देखे होंगे, इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आपकी जो है ईयू से रिलेटेड है, यानी कि आपकी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, यूरोपियन संघ ने जो है गूगल पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि यूरोपियन संघ क्या है। तो ये यूरोपियन संघ क्या है, यूरोप में स्थित है और ये 28 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसमें जो है इनकी कंट्रीज की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 28 है, ठीक है, और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के एक मंच है। तो इन्होंने जो क्या किया है, गूगल पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो गूगल इसमें जो था, इसमें क्या किया है गूगल वालों ने कि नए हेडसेट में प्ले स्टोर तक पहुंचने से पहले ही गूगल जो गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसको डिफॉल्ट सेट करने और क्रोम ब्राउजर को प्री इंस्टॉल करने की जरूरत को अनिवार्य बनाने के लिए एंड्रॉइड हेडसेट और टैबलेट निर्माताओं का दबाव बनाया गया, ठीक है। और क्या किया गया साथ में कि मोबाइल निर्माताओं को एंड्रॉइड के ओपन सोर्स कोड, ओपन सोर्स कोड क्या होते हैं वो चीजें, तो जो ये ओपन सोर्स हैं वो चीजें होती हैं जिसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट जो है जिनको आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस पे जो बेस्ड एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल थे उनको बेचने से रोक लगाया गया, रोका गया है, या फिर उस पे रोक लगाई गई है। गूगल सर्च क्या है, एकमात्र प्री इंस्टॉल विकल्प बनाने के लिए मोबाइल निर्माताओं और मोबाइल नेटवर्कों को वित्तीय, उन्होंने क्या किया था, प्रलोभन दिया गया था, ठीक है, कि आप जो है इस तरह की एक्टिविटीज कीजिए, जैसे ओपन सोर्स रखिए और वहां से क्या है लोग जो है डाउनलोड करेंगे। तो अब जो है इस पे क्या कि लगाया गया है गूगल पे, यूरोपियन संघ ने जो है जुर्माना लगाया है, कितना, 5 बिलियन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं आपके, वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री, 10वें मुख्यमंत्री बने हैं ये हरियाणा के, और इनके द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया है, उस अभियान का नाम है पौधागिरी अभियान, और ये शुरू किया गया है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के सीएम है तो ये अपने हरियाणा में ही शुरू करेंगे पहले। इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये पौधागिरी अभियान। तो ये जो पौधागिरी है
ये अभियान जो है हरियाणा में सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो भी निजी यानी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पे सिक्स क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले के लिए 22 लाख से ज्यादा जितने भी छात्र हैं इन्होंने क्या किया, मानसून के 3 महीने ये होते हैं जुलाई से लेके आपके सेप्टेम्बर तक, ठीक है, इन्हें जो है एक एक पौधा लगाने के लिए बोला गया है। यही एक क्या है, पौधागिरी अभियान है यानी कि पौधों को लगाने का अभियान। तो इसमें जो है हरियाणा सरकार ने बात की है कि जो भी पर्यावरण को बचाने से रिलेटेड जो है एक पॉजिटिव कदम उनके द्वारा उठाया गया है कि जो छात्र हैं वो वन विभाग की ओर से उन्हें एक पौधा दिया जाएगा और वो अपने घर के आसपास या फिर कहीं भी जैसे आप पार्क में जाते हैं स्कूल में या फिर आपका कोई मतलब जैसे मैदान है जहाँ पे या बगीचे हैं आपके वहाँ पे जो है जहाँ पे खुली जगह है वहाँ पे आप एक पौधा लगाएंगे। और साथ साथ में क्या है उसके साथ में ये भी बात की गई है कि जो स्टूडेंट पौधे लगाएंगे वो अपनी पसंद के हिसाब से उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो देश के महान व्यक्तित्वों के नाम पर हो, चाहे वो स्वतंत्र सेनानियों या फिर उनके परिवार सदस्यों से या उनके पूर्वजों के नाम से रिलेटेड कोई भी नाम हो वो उसे उस पौधे को नाम दे सकते हैं। और साथ में ये बात की गई है कि जो पौधा लगाने वाले छात्र हैं वो उसे अगले 3 सालों तक उसका ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो क्या है कि अगले 3 साल तक जो है आप उसकी देखभाल करेंगे उसकी केयर करेंगे। इससे क्या है कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पर्यावरण के बारे में सोचा जा रहा है और इससे क्या है एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा जिससे क्या है कि आप अगर आपका जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी अच्छी जो है आपके आसपास का एनवायरनमेंट रहेगा और उतनी ही आपको ऑक्सीजन के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा देखते हैं नेक्स्ट तो वो है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड। ब्रह्मोस मिसाइल का खराब मौसम में भी सफल परीक्षण किया गया। भारत और रूस ने जो है रूस के संयुक्त उपक्रम परियोजना के तहत, ठीक है, कौन सी योजना, संयुक्त उपक्रम परियोजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ये रिलेटेड है आपके ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड यानी कि ये जो है आपका साइंस का पार्ट है एक। तो ये साइंस अगर आप देखते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो साइंस जो है अलग से जो है आपको पूछी जाती है और करंट अफेयर अगर साइंस का होता है तो मैक्सिमम जो है आपके यूपीएससी या एचएस के लिए जो है करंट अफेयर से रिलेटेड ही साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एवरीडे साइंस तो बहुत ही कम आई होती है, मैक्सिमम जो आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर से। तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए संयुक्त उपक्रम परियोजना, ये चलाई गई है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। ये मिसाइल जो है 290 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कब, जबकि खराब मौसम में भी इसने जो है परीक्षण हमें की दिया है, ठीक है। ये अपने साथ जो है 200 किलोमीटर परमाणु प्रक्षेपास्त्र ले जाने में सक्षम है और साथ साथ में इसमें जो है कि इसकी जो ध्वनि है दुगनी गति से यानी कि 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। एक सोचने वाली बात है कि इतनी किलोमीटर तक इसकी जो है साउंड जो है वो जाएगी। इसमें ठोस प्रेरणादक का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं इस मिसाइल के बारे में, तो इसकी जो परिधि है यानी कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 670 मिली की है ये और लगभग 3 टन वजनी ये मिसाइल जमीनी के निकट भी प्रहार कर सकती है यानी कि ये नीचे भी जा सकती है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मोस है विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे कहा जाता है। हाँ ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बन सकता है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहा जाता है, इस कौन सी ऐसी मिसाइल है जो विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जिसे जो है हम जल थल और वायु सभी स्थानों पे दागा जा सकता है, चाहे आप उसे पानी में यूज कीजिए, चाहे आप उसे जमीन के नीचे, चाहे आप उसे हवा में भेजिए, तो ये तीनों के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो ऐतिहासिक शिखर बैठक आयोजित की गई, ठीक है। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए के
प्रेसिडेंट हैं, और व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करते हैं तो ये रशिया के हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक शिखर बैठक हुई है, यानी कि समिट हुआ है 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोप में, जब अमेरिका में चुनाव किए जा रहे थे उस टाइम जो था क्या हुआ था कि उनके चुनावों के टाइम में कुछ दखल देने की रूस को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी, यानी कि उस टाइम क्लीन चिट उनके द्वारा दी गई थी, और उन्होंने कहा था कि रूस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो है, अब इससे रिलेटेड जो है एक बैठक की गई, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल बैठक जो चीज पहले हुई उस पे जो है बैठक की गई है दोनों के बीच में। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा है कि हाल ही में कहा कि हमारे पास जो है वर्ल्ड का 90% परमाणु हथियार है, ठीक है। तो ये जो है ये एक अच्छा, मतलब एक अच्छा चीज, अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद जो है ट्रंप ने बाद में ये स्टेट अपनी अगर जब उनकी दोनों के बीच में जो है मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक ट्वीट करके ये लिखा कि अमेरिका के रूस के साथ खराब संबंधों के लिए अमेरिका की पिछली सरकारें और नेता जिम्मेवार हैं। ये उनकी हमें ट्वीट से ये पता चलती है बात कि उन्होंने इस तरह का कहा है, यानी कि वो अपने आप को क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो कह उनका मानना है कि जो पिछली सरकारें थी उनसे पहले और जो जितने भी नेता हुए हैं वो ही इन चीज दोनों देशों के बीच में खराब संबंधों का एक उनको मतलब जिम्मेवार ठहराया है वो। इससे एक बात तो साफ हो जाहिर सी होती है कि ट्रंप जो है पुतिन ये दोनों जो है अमेरिका और रूस जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि जो इनके हिसाब से जो है अब बिल्कुल ठीक है इनके संबंध। और साथ साथ में ये भी कहा कि अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि ISIS के खिलाफ उनके अभियान का श्रेय जो है ईरान को नहीं लेने दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फीफा से रिलेटेड। जो फीफा वर्ल्ड कप है आपका 2018 में हुआ है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका HS का एग्जाम हो, चाहे आपके अदर कोई भी एग्जाम हो। इन सब एग्जाम के लिए जो है फीफा विश्व कप से रिलेटेड जो है एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो है 20 वर्षों के बाद जो है फ्रांस इसमें विजेता बना है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। जो फ्रांस है ये 15 जुलाई 2018 को विश्व कप 2018 का विजेता बना है, यानी कि 15 जुलाई को जो है इसमें इसको सफलता मिली है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो ये दूसरी बार विश्व कप का विजेता रहा है। इससे पहले जो है ये जो फ्रांस था ये 1998 में विश्व कप इन्होंने जीता था। अगर रूस के लुझनिकी स्टेडियम में फ्रांसीसी टीम ने पहली बार फीफा विश्व कप फाइनल में पहुंची। क्रोशिया जो सेकंड टीम थी आपकी वो थी क्रोएशियाई टीम, ठीक है। इसको इन्होंने कितने से हराया है, इन्होंने हराया है 4-2 से हराया है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका टीमों का भी दबदबा खत्म करके यूरोप को दो टीमों ने फाइनल की जगह बनाई थी, जिससे बाजी फ्रांस के हाथ में लगी, यानी कि फ्रांस जीता अंतिम, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताती हूँ कि कौन कौन क्या क्या कैसे रहा। अगर विजेता की हम बात करते हैं तो फ्रांस रहा, उपविजेता जो हमारा रहा वो रहा क्रोएशियाई, तीसरा स्थान इसमें मिला फीफा में बेल्जियम को, और चौथा स्थान पे जो रहा वो रहा इंग्लैंड, ठीक है। और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया स्पेन को, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, विजेता फ्रांस आपका, उपविजेता क्रोएशियाई, तीसरा स्थान बेल्जियम को, चौथा स्थान इंग्लैंड को, और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया आपको स्पेन को। आप जो है यहाँ पे पॉज करके जो है आप इसको लिख सकते हैं, एक नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रोएशियाई जो है फाइनल में, और रूस जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इंग्लैंड भी अगर हम बात करें तो 28 साल के बाद जो है सेमीफाइनल में आया है। फ्रांस को विजेता बनने में वहां के कोच कौन थे, वो थे दिदियर डिस्चैंप्स, ठीक है, दिदियर डिस्चैंप्स,
का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि उसके कोच कौन थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गोल किए हैं गोल्डन बूट वो है हैरी केन, और ये है इंग्लैंड से, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो ये इंग्लैंड से है। उसके बाद जो है बेस्ट प्लेयर अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन बॉल की, तो वो है लुका मॉड्रिच, ये है क्रोएशिया के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है बेस्ट गोलकीपर गोल्डन ग्लव्स, और ये है थिवो कोटरबा, और ये है बेलिजियम से। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं आपके यंग प्लेयर जो कि 19 साल के हैं, ठीक है, 19 साल के थे और इन्होंने फ्रांस की ये जीत को हीरो रहे हैं, तो ये है आपके एम्बापे, ठीक है, एम्बापे, और ये है फ्रांस से। तो ये था हमारा कि फीफा विश्व कप 2018 जिसमें फ्रांस आपका विजेता रहा है। तो इसका एक नेक्स्ट और क्वेश्चन बन जाता है कि नेक्स्ट जो आपका आने वाले फीफा है 2022 में आएगा, और इस ये जो होगा ये कहाँ पे होगा, कतर में होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, 2022 में कतर में आपका ये होगा। तो गाइज ये थे हमारे थर्ड वीक के करंट अफेयर, यानी कि जुलाई मंथ के आपके करंट अफेयर जो मैंने आपको इसमें करवाए 16 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक, जिसमें आपको डिटेल में करवाएंगे, और इसके जो है आपको MCQs भी नेक्स्ट वीडियोस में आपको MCQs मिल जाएंगे। फुली मंथली के MCQs होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको दिए जाएंगे। और आपको मैं एक साथ में ये भी बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारी एक अलग से एक वीडियो और भी आएगी, जिसमें मैं आपको फाउंडेशन कोर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में शुरू हुए हैं उसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगी। हमारी जो क्लासेस रहती है वो रेगुलर क्लासेस भी रहती है और वीकेंड क्लासेस भी रहती है, और साथ में जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको हमारे से कॉन्टेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है लक्ष्मी भवन नियर DAV स्कूल नॉर्थ ऑफ संजौली में शिमला में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा शिमला। और इसमें अगर हमारी आप वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं www.careerpointshimla.com पे, और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारा इसमें हमारा एड्रेस रहेगा आपको www.facebook.com/careerpointshimla, और आप हमें जो है जीमेल भी कर सकते हैं, हमारी जीमेल आईडी रहेगी careerpointsml@gmail.com info@careerpointshimla.com। अगर कोई भी क्वेरीज हैं गाइस तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देख सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9805291450, सेकेंड नंबर है हमारा 9805181986। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है कमेंट के पूरे आंसर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग आपको UPSC से रिलेटेड या HS के एग्जाम से रिलेटेड या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम या फिर आपके कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आपके प्लस टू लेवल का है, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का है, नेट सेट के हैं, इन सब के कोर्सेज जो है यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इंफॉर्मेशन हमसे इसमें ले सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारी वीडियो अपलोड की जाएगी वो नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर होंगे जुलाई के, और साथ साथ में उसके बाद जो है हम आपको जो है MCQs भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो आपके मंथली MCQs रहेंगे जो आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो इस तरह से जो हमारा शेड्यूल रहेगा, और साथ में जो है आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट के एक फाउंडेशन कोर्सेज 2019 में जो हमारा शुरू किया गया है उसके रिगार्डिंग भी आपको इसमें पूरी फुल इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। सो गाइस देखते रहिए करियर पॉइंट शिमला के करंट अफेयर। अगर आपको गाइज हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप जो है हमारे इस पेज को और हमारे इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको फुल सपोर्ट कीजिए, और साथ साथ में जो है जैसे आप इसको शेयर करते हैं तो इससे क्या है कि आपका नॉलेज जो है सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि जो है आपके
दोस्तों तक भी वो चीज़ पहुंचेगी, और पूरे हिमाचल को जो है इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अन्य जिस तरह से जो एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं, आप जैसे हमीरपुर बोर्ड के इतने एग्ज़ाम्स निकले हैं, सेक्रेट का है आपका, या फिर आपके जो है अदर एग्ज़ाम भी आपने फिलअप किए होंगे, ये सब जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें, ताकि हमें जो है हमें अपने मिल सके हमें व्यूज़ की किस तरह का जो है हमारा काम आपको लग रहा है। और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब के साथ जो है एक बटन है बेल आइकन का, आप उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिले, हम डालें, तो आपको जो है वो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको आप तक पहुँच सके और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें।